नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जेवर एयरपोर्ट की बातें करेंगे, कितने गांवों की जमीन ली जाएगी, कितने मकान शिफ्ट होंगे, कितने स्कूल शिफ्ट होंगे, कितने बिजली पोल और मोबाइल टावर शिफ्ट होंगे और क्या मुआवजा इत्यादि पर। दोस्तों 14 गांवों की जमीन पर जेवर एयरपोर्ट का निर्माण होगा। नोडल एजेंसी बनते ही यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट का जमीनी खाका भी तैयार कर लिया है। एयरपोर्ट के लिए 14 गांवों की 3000 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी और 3400 मकान शिफ्ट होंगे। इस पर 10,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए यमुना प्राधिकरण को ही नोडल एजेंसी बनाया है। प्राधिकरण ने अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार कराई है, जिसके अनुसार पहले फेज में 9 और दूसरे फेज में 5 गाँव यानी कुल 14 गाँवों की करीब 3000 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इन गाँवों की कुल आबादी करीब 15,000 है। पहले फेज में 9 गाँवों की जमीन ली जाएगी, जो इस तरह है: नगला शरीफ खान, नगला खेड़ा, रनेरा खेड़ा, किशोरपुर, सिवारा, रोही, परोही की पूरी जमीन ली जाएगी, जबकि चौरौली की जमीन आंशिक रूप से अधिकृत होगी। दूसरे चरण में जो गांव आएंगे वो हैं बनवारीवास, साबोता, मुस्तफाबाद, सुहानपुर व बंकापुर शामिल हैं। इन गाँवों में करीब 3400 मकान शिफ्ट होंगे। इन गांवों में चल रहे 8 स्कूल भी शिफ्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा 250 बिजली के पोल, 45 मोबाइल टावर, हाई टेंशन लाइन व टावर के और पानी की टंकी शिफ्ट होंगी। इन सब पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का आकलन है। 422,000 करोड़ रुपए घर बनाने में खर्च होने का अनुमान है। यमुना प्राधिकरण के मुताबिक 3400 घरों को शिफ्ट करने से पहले उनके लिए घर बनाकर देने या फिर घर का मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी, जिस पर करीब 422 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए सिर्फ 6% आवासीय भूखंड को विकसित करने पर खर्च होंगे। पुनर्वास भत्ता के रूप में हर किसान परिवार को 5-5 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।